सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फिर से हमने लॉग इन कर लिया थ्री ऐप में। ये हो गया रैपिडो, सो ये हमारा रैपिडो लॉग इन हो गया। अभी हम ओला खोलेंगे और ऊबर खोलेंगे। ये हो गया ऊबर भी लॉग इन, गो ऑनलाइन। तो अभी टाइम हो रहा है 8:25, 8:25 को हमने लॉग इन किया है। पहला ऑर्डर आ गया है, एक्सेप्ट, ठीक है। ओ यू मिस्ड द ऑर्डर, पहला ऑर्डर मिस्ड हो गया। इसमें कुछ तो पूछ रहा है, अनेबल टू गो ऑनलाइन। इसमें क्या है, डेली डेली फोटो लेना है, तो हम लोग फोटो ले लेंगे पहले। तो सेल्फी हमने ले लिया है अभी। तो ये ऊबर भी ऑनलाइन हो गया, अभी ओला ऑनलाइन करते हैं। तो ये तो दोस्तों, ये ओला भी अपना हो गया है, ठीक है। तो हमने तीन ऐप डाउन अभी ये ओपन करके रखा है, ऊबर, ओला और रैपिडो। देखते हैं पहला ऑर्डर किस में आता है। बने रहिए हमारे साथ इस व्लॉग में। तो दोस्तों, एक ऑर्डर मिला है अपने को ऊबर में, बड़ा ऑर्डर है, 220 रुपीज़ का ऑर्डर है। ओला हमने ऑफ़ कर दिया, रैपिडो हमने ऑफ़ कर दिया। पहला ऑर्डर है 220 रुपये का आया। चलिए कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे चलते हैं। तो पिकअप लोकेशन यहीं पे दोस्तों, बस 3 मिनट दिखा रहा है। घर के पास से ही अपने को राइड मिल गया। चलिए पिकअप कर लेते कस्टमर को। अपन पिकअप लोकेशन पे आ गए दोस्तों। अना रकम है मेरे ना, हाँ ना, एडा एडा बोल दे, लोकेशन करेक्ट है क्या? हाँ करेक्ट, लोकेशन पेटा। हाँ आना की ना नंबर इच्छे से लोकेशन पेटे मनु वस्ता। ओकेना लोकेशन वेलिपता ने आड़ेन तरह सर नंबर चपा ओटीपी चपा। क्या चेस्तारा सर? पर्वे సరే సరే, అమ్మాయికి తెలియదా? అక్కడ నుంచి అమ్మాయికి తెలుసు అనుకుంటా కదా, మీరు చెప్పండి నేను దింపేస్తా. ఓకేనా? సరే సరే. సో దోస్తు పహలీ రైడ్ 25 కిలోమీటర్స్ కి మిలి యా సే 220 రూపీస్ ఆయా, లేకిన్ పైసే కమ్మే మీ పైసే కమ్మే, లేకిన్ క్యూంకి 1 किलोमीटर को अगर आपको 10 रुपये मिलता तो बात होती, 250 रुपीज़ आपको मिल जाता, लेकिन 220 रुपीज़ मिला है पहला राइड का। और यहाँ से 25 किलोमीटर, अच्छा है कि संडे है, आराम से जा सकेंगे। अब वहाँ से ये देखना है कि वहाँ से वापस में राइड मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से घर के पास है 25 किलोमीटर्स अवे, ऊबर में मिली है राइड। तो वहाँ से यहाँ रिटर्न कभी क्या होता है, ये लोग खाली भिजा देते हैं, मतलब कुछ राइड मिलता भी नहीं है, तो वहाँ से खाली आना पड़ेगा। ये शायद मेरे जैसे जो कोई रैपिडो ऊबर और ओला करते हैं उन लोग को आइडिया है। ये लोग क्या करते हैं, दूर वहाँ का लोकेशन पे छोड़ देते हैं, फिर वहाँ से लोकेशन वापस आना, घर के नज़दीक में ऑर्डर मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अभी देखते हैं वहाँ से घर के पास का वापस इतना लोकेशन मिलता है नहीं, ठीक है। और ये भाई ने बोला कि उससे थोड़ा और आगे जाना है जहाँ पर लोकेशन पिक नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर जाने के बाद उन हमको एक्स्ट्रा पैसे देंगे। तो चलिए आपको ये मैडम को ड्रॉप करने के बाद आपसे मिलते हैं 25 किलोमीटर कम से कम 1 घंटे के बाद। सो दोस्तों, कंप्लीट 25 किलोमीटर्स के बाद 1 घंटा हो चुका है। अभी बज रहा है 10:20, हमने अभी डिलीवर मतलब छोड़ दिया है कस्टमर को, पेमेंट कलेक्शन हो गया है। तो हमको मिला है 316 रुपये,
ठीक है, इसमें से मैडम ने 16 रुपया कम ही दिया है, सिर्फ 300 रुपये दिया है। तो डन, अभी हम लोग रुकेंगे दूसरे ऑर्डर के लिए। बट हम 25 किलोमीटर्स अवे है अपने घर से, तो 25 किलोमीटर्स का ऑर्डर फिर से हमको मिलना चाहिए, वो भी वहीं पे हमारे घर के पास का ही, तब हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से दूसरी जगह जाना फिर बेकार है। ठीक है, तो हम वापस घर के नज़दीक जाने के लिए हम लोग 3 ऐप भी ऑन कर देंगे अभी, रैपिडो ऑन, ऊबर तो ऑन है ही, ओला ऑन कर देंगे, ओला भी ऑन, तो देखेंगे हमको घर के नज़दीक में कौन सा ऑर्डर लेके जाएगा। अभी तक सिर्फ एक ट्रिप हुआ और एक ट्रिप का पैसा हमको 300 रुपीज़ मिला है। चलिए चलते हैं आगे, चलते चलते देखेंगे कौन सा ऐप में ऑर्डर गिरेगा, उसके हिसाब से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड हमको मेक श्योर करना है कि वो ऑर्डर हमारा घर के पास का ही हो। तो एक ऑर्डर आ गया है गोनापल्ली, ये हमको नहीं चाहिए, पता नहीं कहाँ पर है, नया नया एड्रेस है, तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये ऑर्डर। दूसरा कुछ ऑर्डर देखें, क्योंकि ये ऐसा होता है ये लोग यहाँ से निकालते फिर यहीं पे घुमाते रहते, बट हमको जाना है वापस से सिकंदराबाद को। सो दोस्तों, और एक ऑर्डर आ गया ऊबर से, पिकअप करने चलते कस्टमर के पास। 4 किलोमीटर का पिकअप है, ये एरिया में यही प्रॉब्लम है, पिकअप ही 4 किलोमीटर का है। से पिकअप मिल गया अपने को यहाँ पर कस्टमर के पास, पिकअप ले लेंगे। चलिए, अच्छा पीछे जाना है क्या, सीधा है। सीधा ले लो अंदर, थैंक्स। तो ये हो गया अपना दूसरा राइट। दोस्तों, मैं अभी गच्चीबोली से आ रहा हूँ, ऑलमोस्ट मैं मेहंदीपट्टनम रीच हो चुका हूँ, लेकिन एक भी ऑर्डर मेरे को नहीं मिला। मिल रहा है तो सब विप्रो, एटेक सिटी और पीछे वाले रास्ते का मिल रहा है, बट अपने को जाना है अपने घर की सिकंदराबाद। इस तरफ का ऑर्डर कोई नहीं मिला अभी तक। मैं 3 ऐप ऑन करके रखा हूँ, अभी 3 का 3 चालू है, देख सकते हो आप लोग। ये मैंने ओला डिस्प्ले पर रखा है, इंटरफेस पर आपको ओला दिख रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में ये रहा है रैपिडो, ये ऊबर, ये 2 भी ऑन है, लेकिन ऑर्डर जो मिल रहा है वो पीछे वाले रास्ते का मिल रहा है, गच्चीबोली से वो साइड, जहाँ पर ना भाई पब्लिक है, ना पॉपुलेशन है, ना कुछ है, वहाँ पर का ऑर्डर मिल रहा है। मेरे को अभी वापस घर को जाना है, लेकिन घर को जाते जाते अगर ऑर्डर कुछ मिल जाता तो अच्छा था, लेकिन अभी तक कुछ ऑर्डर आया नहीं है। लेकिन स्टिल हम मेहंदीपट्टनम पे और हाफ एन आवर है हमारे पास, देखेंगे कुछ ऑर्डर घर के तरफ का आता है कि नहीं आता है। चलो पेट्रोल डला लेंगे, कहाँ किधर इधर है भाई साहब, 100 का डाल दो। ये देखिए दोस्तों, सेक्रेटेरिएट रिसेंटली तेलंगाना गवर्नमेंट ने बनवाया था,
और ये क्या है अभी तक मेरे को पता नहीं, अगर आपको पता है तो कमेंट के अंदर बता दीजिएगा। ये रिसेंटली बना है ये भी, लेकिन इसमें क्या है अभी तक अंदर हम लोग गए नहीं। अगर कभी जाएंगे तो आपको इसका भी व्लॉग देंगे। आप लोग कमेंट्स में बता दो कोई हैदराबाद से तो क्या है करके, ठीक है। दोस्तों सामने एक नई ब्रिज बनी है जो एक स्टील ब्रिज है, जो बहुत ही लंबी ब्रिज है। ब्रिज ब्रिज से ना बहुत सी आसानी होती है हमें ट्रैवल करने के लिए। ये ब्रिज सीधा कनेक्ट करती है विद्यानगर टू टैंकबंड और यहाँ से टैंकबंड टू विद्यानगर, और हमारे लिए ये ब्रिज बहुत ज़रूरी है। अब ये ब्रिज हम चढ़ेंगे ना, ये ब्रिज उतरने के बाद सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर हम हमारे घर पर पहुँच जाएंगे। तो ये आपको मैं ब्रिज का व्यू दिखाता हूँ, आप देखिए कितनी लंबी ब्रिज है, नायनी नरसिम्हा स्टील ब्रिज। ये ब्रिज बना के बहुत अच्छा किया भाई। बहुत लंबी ब्रिज है, बहुत लंबी ब्रिज, ट्रैफिक से आसानी से बच सकते हैं ब्रिज से। एडिट नहीं है जब से मैंने आपसे स्टार्ट किया कि ब्रिज देखिए करके, तो वहाँ से अभी तक आप देख सकते कितनी लंबी ब्रिज है। मेरी स्पीड थी 80 की स्पीड पे इतना टाइम लगा हमको ब्रिज क्रॉस करने के लिए, कुछ कट या एडिट नहीं है, इतनी बड़ी ब्रिज है। सो दोस्तों आज की अर्निंग अपन देखते हैं कितनी हुई अपनी, ठीक है। ये रहा ओला, ओला में कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ओला में है, ऑफ कर देंगे अपन ओला, जीरो ख़त्म, ओला टाटा बाय बाय, ओला को हटा देंगे। अभी रैपिडो देखेंगे, रैपिडो में भी आज की अर्निंग है जीरो, सिर्फ आज ऑर्डर आया सिर्फ ऊबर में, ठीक है। तो ये रैपिडो भी ऑफ, और ये रहा ऊबर, ऊबर में हमने आज कमाया है 361, बस हमने दो ट्रिप मारा है, ये देख सकते हैं आप लोग, 361 रुपीस हमने कमाया है ओला सॉरी ऊबर में, ठीक है, सिर्फ दो ट्रिप का। लेकिन लॉन्ग ट्रिप थी भाई, थोड़ा टाइड हो गया, ठीक है। तो कल मिलते हैं अगले व्लॉग में इसी तरह, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर सब कर दीजिए। थैंक यू।